हेलो गाइस, मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ एजुकेशन मार्ट को। और देखिए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेसिक एक्सेल का बहुत सिंपल कोर्स जो कोई भी घर बैठे आराम से अंडरस्टैंड कर पाएगा और बहुत अच्छे से समझ पाएगा। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि एक्सेल बहुत हार्ड है समझने में, तो नहीं, हार्ड नहीं है, बिकॉज एजुकेशन मार्ट आपके लिए लेके आया है बहुत ही सिंपल वे में बेस्ट सॉल्यूशन और क्विक ट्रिक्स के साथ। तो देखिए, अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका, सिंपल ऑप्शन एक्सेल का समझाने वाली हूँ, जिसका नाम है टेबल फॉर्मेट इन एक्सेल। तो देखिए, टेबल एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसके थ्रू आप बहुत सारे काम बहुत सिंपल वे में कर सकते हैं। तो इसी तरीके के फर्दर टॉपिक भी हमने देखे गाइस अपने कोर्स में डाले हुए हैं, जो बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ और आपके साथ बहुत सारी क्लासेस कंटिन्यू करूँगी, जिसमें आप बहुत डीपली और बहुत अच्छे से आराम से समझ पाएंगे विद एग्जाम्पल, विद डेटा एंड विद फॉर्मूलाज। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टेबल फॉर्मेट। टेबल फॉर्मेट से आप क्या एक छोटा सा काम बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे मुझे कहा जाए कि मुझे क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करना है और उसका 20% निकालना है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, इक्वल्स टू क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे एंड फिर दूसरे सेल को सेलेक्ट करेंगे एंड फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको 20% चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 20% एंड एंटर। बट अब इसमें आप क्या करेंगे, नीचे आपको ड्रैग करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। इसी तरीके से दोबारा आपको कोई काम करना है तो फिर क्लिक, फिर ड्रैग। तो हम ये ड्रैगिंग ऑप्शन को भी अपना खत्म कर सकते हैं किस तरीके से, टेबल फॉर्मेट देखे। देखिए, मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया, कंट्रोल टी से टेबल फॉर्मेट दिया। यहाँ पे वो पूछ रहा है वेयर इज द डाटा फॉर योर टेबल, तो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। माई टेबल हैज हेडर, क्या आपकी टेबल की हेडिंग है, मैंने ये भी चूज कर लिया और ओके कर दिया। तो देखिए, यहाँ टेबल फॉर्मेट लग गया। अब यहाँ पे अगर मैं अपना एक कॉलम बनाती हूँ टोटल का, तो देखिए, अब मैं अगर यहाँ पे लेती हूँ नीचे, तो ऑटोमेटिक एक तो उसने उसको टेबल फॉर्मेट दे दिया, और अगर मैं इक्वल्स टू करके अपने किसी कॉलम को चूज करती हूँ, सबसे पहले तो उसका नाम आएगा, वो मल्टीप्लाई करेगा रेट को, और फिर मैंने डिवाइड कर दिया उसे 20% से, एंड जैसे ही मैं एंटर करूंगी, मेरे सारे कॉलम देखिए ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे टेबल फॉर्मेट आपको इस तरीके से हेल्प करता है कि आपके ऑटोमेटिक कॉलम सारे के सारे जनरेट हो जाते हैं। दूसरा, आपको टेबल फॉर्मेट क्या हेल्प करता है, मेरे डेटा के एंड में मुझे यहाँ इसका टोटल चाहिए, इसका मैक्स चाहिए, इसका मिनिमम चाहिए, तो आपको सब में फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं है। आप इस टेबल फॉर्मेट के अंदर कर्सर रखिए, डिज़ाइन टैब में जाइए, इसके डिज़ाइन टैब में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, दिस इज टोटल रो। तो अगर आप टोटल रो पे क्लिक कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट टी भी प्रेस कर सकते हैं, तो जैसे ही आप टोटल रो पे क्लिक करेंगे, तो देखिए उसने ऑटोमेटिक एक तो इस कॉलम का मुझे सम जनरेट करके दे दिया है। अगर आप नीचे देख पाएं तो यहाँ पे इसने मेरा सम जनरेट करके दे दिया है। मुझे इस कॉलम का मैक्स मिनिमम कुछ चाहिए, तो आपको हर तरीके के फॉर्मूले यहाँ दिखाएगा। मिन, मुझे इसका मैक्स चाहिए, तो यहाँ आप मैक्स चूज कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरे को ये प्रोडक्ट्स काउंट करने हैं, मेरे कितने प्रोडक्ट्स हैं, तो लेट्स से काउंट, तो 995 मेरे प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सिंपली ही टेबल फॉर्मेट के थ्रू काम कर सकते हैं। तो गाइस, होप आपको ये छोटा सा टॉपिक मेरा समझ आया होगा, पसंद आया होगा, एंड मैं बहुत सारी ऐसी शॉर्टकट और बेसिक चीज़ें आपके साथ बेसिक एक्सेल के कोर्स में लेके आई हूँ, तो प्लीज़ वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमसे थ्रू ईमेल, हमसे अपनी कोई भी क्वेरी है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा मेल आईडी है educationmart803@gmail.com। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप इस ईमेल आईडी पे हमें भेज सकते हैं। आई रिपीट, educationmart803@gmail.com। एजुकेशन मार्ट आपको ऑनलाइन कोर्स भी प्रोवाइड करता है, इनकेस आपको ऑनलाइन कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो आप हमारे थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एजुकेशन मार्ट टैली है, एक्सेल है, एडवांस एक्सेल है, सारे कोर्सेज आपको प्रोवाइड करता है।
और कोई भी आपकी क्वेरी होगी या डाउट्स होगा वो ईमेल आपको 24 आवर्स में रिप्लाई दे दिया जाएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। ओके, बाय।